हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहां पर देख सकते हैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर हमने ये डिजाइन किया है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको रोल नंबर को ऑटो नंबर रखा है और नेम ऑफ स्टूडेंट को टेक्स्ट डेटा टाइप, और फिर यहां पे तीन सब्जेक्ट लिए हैं जिनमें हमने नंबर डेटा टाइप रखा है। अब ये कुछ इस तरीके से कुछ नंबर भी एंटर करा लिए हमने। अब हमें एक स्टूडेंट के नाम को अपडेट करना है, सपोज कीजिए सूरज के नाम को अपडेट करना है। यहाँ पे सूरज दोबारा आ गया है, इसको अपडेट करना है। यहाँ पर सूरज की जगह सचिन करना है, तो ये कैसे होगा? तो अपडेट क्वेरी का यूज करके बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं, क्रिएट पे चलेंगे और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाना है और यहाँ टेबल वन को ऐड करवा लेता हूं। अब देखिए इसको कैसे मैं अपडेट करता हूं। पहले तो इन सारे रिकॉर्ड्स को अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहें तो एक रिकॉर्ड को भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको अपडेट करना है, किसको अपडेट करना है? तो यहां पर देख सकते हैं क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया आप पहले अपडेट पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमें इसे अपडेट करना है, तो यहाँ क्राइटेरिया पर आकर के इसे अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको अपडेट टू भी दिखाई पड़ने लगेगा। अब यहां पर हम चाहते हैं कि तो ये सूरज की जगह कुछ और नाम आए। ठीक है, तो यहां पे कर देता हूं सचिन, अपडेट टू सचिन। ठीक है, तो सूरज की जगह सचिन आ जाए, तो ये हमने कर दिया। और यहां से बाहर क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप डबल एडेड कोर्स लग ही जाता है। और अब इसको हम रन करवा देते हैं एक बार। तो यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है यू आर अबाउट टू अपडेट टू रोज, तो बस यस कर दीजिए, आपका काम हो गया है। आप इसे यस कर ही चुके हैं हम, तो अभी इसको क्या करना है, यहां से देखना है टेबल को। ठीक है, तो ये जो टेबल है इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहां पे देखिए जो सूरज नाम लिखा हुआ आ रहा था, दोनों सूरज हट चुका है और यहां पर सचिन आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। ठीक है।